हेलो एंड वेलकम गाइस। तो मीडियाटेक की तरफ से आज तीन नए प्रोसेसर लॉन्च किए गए हैं, जिसमें एक है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1050 और एक है मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 और एक है मीडियाटेक की तरफ से आने वाला G99। अब नेम से क्लियर है G99 तो G96 का सक्सेसर है, 930 920 का सक्सेसर है और 1050 हमारा सक्सेसर है डायमेंसिटी 1000 का। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डायमेंसिटी 1050 के बारे में, क्योंकि 1050 के बारे में कि इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और क्या कुछ नया यहाँ पर कंपनी लेकर के आई है। बात करते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस की, तो 6 नैनोमीटर पर ये प्रोसेसर फैब्रिकेट है और इसके अंदर ऑक्टाकोर सीपीयू है। जाहिर सी बात है ऑक्टाकोर, अब लगभग सारे ऑक्टाकोर सीपीयू ही आ रहे हैं, जहाँ पर कॉर्टेक्स A78 की दो कोर्स हैं जो 2.5 GHz तक क्लॉक है, बाकी 6 कोर्स कॉर्टेक्स A55 की हैं जो 2 GHz तक क्लॉक है। तो अगर हम कोर्स वाइज बात करें तो पावरफुल परफॉर्मेंस इतनी नहीं लगती जितनी कि हम इसके नाम से समझ रहे थे कि 1050 एक नया प्रोसेसर है तो बेटर होगा कि ये शायद बहुत ज्यादा अच्छी प्रोसेसर लेकर के आए, बट यहाँ पर कॉर्टेक्स A78 की ही कोर्स यूज की गई है। कोई यहाँ पर जो हमारी मतलब की A78 को हम ये मान सकते हैं कि जो इस समय लेटेस्ट कोर है उनसे एक जनरेशन पीछे की कोर्स है ये, क्योंकि अभी फिलहाल क्या है कि सुपर कोर्स हमारी आ चुकी है आर्म की तरफ से, तो वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। आर्म की X1 कोर है जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है फिलहाल, बट क्या है कि इस समय A78 है थोड़ी लेटेस्ट जनरेशन से पहली वाली जनरेशन की है, तो ठीक है दो कोर्स मिलती है, बाकी 6 कोर्स कॉर्टेक्स A55 की मिलती है। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी कोर्स है वो भी 1 जनरेशन पीछे की है, क्योंकि अभी 510 लगभग आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस है वो 20,000 से लेकर के 25,000 के बीच में कहीं ना कहीं रिलाय करेगी। अगर 20 से 25 के बीच में इसके फोन्स आते हैं तब तो ये वैल्यू फॉर मनी कहे जाएंगे, और अगर इससे ऊपर आते हैं तो ये श्योरली ओवर प्राइस्ड कहे जाएंगे। इसके अलावा जो GPU है वो ARM की तरफ से आने वाला मालिका G610 है, तो ये भी काफी अच्छा है, ऐसा नहीं बुरा है। यहाँ पर MC3 है, 3 कोर्स यहाँ पर यूज हुई है, तो बेटर GPU है, यानी कि वही 20 से 25,000 के बीच वाला आपको यहाँ पर GPU भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इस पूरे प्रोसेसर का हाईलाइट है वो ये है कि मिलीमीटर वेव पर भी 5G सपोर्ट करता है और सब 6 GHz तक भी ये 5G सपोर्ट करता है, यानी कि दोनों टेक्नोलॉजी से 5G सपोर्ट करता है, दोनों को इजिली स्विच कर सकता है, यही इसका की पॉइंट है। और 1050 में आप ये मान सकते हैं कि यही एक ऐसा पॉइंट है जिसको फोकस करके इस प्रोसेसर को लॉन्च किया गया है मीडियाटेक के द्वारा। अगर हम बात करते हैं कैमरा कॉम्बिनेशन की, तो 108 मेगापिक्सल तक का सिंगल कैमरा सपोर्ट करता है, 20+20 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा को सपोर्ट करता है, और साथ में आप इससे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। यानी कि 25,000 तक की सारी लगभग जितनी भी डिमांड्स हैं उन सबको ये फुलफिल करता है। UFS 3.1 तक की स्टोरेज सपोर्ट कर सकता है और इसके अंदर LPDDR5 तक रैम तक का भी सपोर्ट अवेलेबल है। ये काफी चीजें हैं जो काफी अच्छी है इसके अंदर, वैसे प्रोसेसर काफी बेटर है, लेकिन 20 से 25,000 के बीच में अगर ये फोन आते हैं तो फिर ये आपको काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि इनके जो फोन्स हैं वो सबसे पहले कब आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, बाकी आप बताना कि आपको ये प्रोसेसर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।